बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, थोड़ी सी समझदारी आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिला सकती है। आज हम बात करेंगे मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के बारे में। अगर आप एक फिक्स इनकम एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं और हर महीने ब्याज की राशि अपने अकाउंट में पाना चाहते हैं, सो आज हम बात करेंगे जी मंथली इनकम प्लान या हम कह लें मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के बारे में। नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा आप इंटरेस्ट रेट कैसे हासिल करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगा। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट जो है उन्हें ओपन करना होगा। तो मैं क्या करूंगा जी, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट के टेबल के ऊपर लेकर चलूंगा। तो देखिए, नीचे आने के बाद क्विक एक्सेस में जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करूंगा, उसके बाद देखिए रुपए टर्म डिपॉजिट रेट्स। सो मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है वो खुल के आ जाएगा जी। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 1/4/2024, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से किए गए हैं। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहले हमें करना क्या है जी, एक ऐसा टाइम पीरियड ढूंढना है जिसमें आपको एक बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। जैसे कि एक साल की फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 6.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अगर हम दो साल के लिए बात करें तो जर्नल पे 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। बाकी 3 से 5 साल, 5 से 8 साल और 8 से 10 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी स्कीम के ऊपर है। सो दो साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिल रहा है जी। सो आपको करना क्या है, आप दो साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 7.25% के हिसाब से जर्नल पे। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो देखिए मैं जैसे ही सीनियर सिटीजन्स पे क्लिक करता हूँ, टेबल आपकी स्क्रीन के सामने है। दो साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 7.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.90% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आप कैसे एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल करेंगे, मैं आपको कैलकुलेशन के दौरान बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं मंथली इनकम कैलकुलेटर को पहले ओपन करूंगा जी। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को हमने ओपन किया हुआ है। मैं इस कैलकुलेटर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंथली इनकम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है जी, 7.25% जर्नल पे। टाइम पीरियड होगा जी दो साल के लिए। सो जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा क्या होगा जी, आपकी जो मंथली इनकम बन के आएगी वो हो जाएगी 3020 रुपये। उसी तरह से 7.75% सीनियर सिटीजन्स पे अगर हम बात करें, तो देखिए 3229 रुपये जो है वो आपकी मंथली इनकम बन जाएगी। अगर मैं सुपर सीनियर सिटीजन 7.90% के हिसाब से कैलकुलेट करूं, 3291 रुपये जो है वो मंथली इनकम बन गई जी। सो उसी तरह से मैं पोस्ट ऑफिस के इक्वल अगर मैं 9 लाख रुपए के ऊपर इन्वेस्टमेंट चेक करूं 7.25% के हिसाब से दो सालों के लिए, तो आपकी मंथली इनकम कितनी बन गई दो सालों के लिए, 5,437 रुपये। अगर मैं सीनियर सिटीजन्स के बिहाफ पर चेक करूं तो आप देखेंगे 5,812 रुपये आपको जो है वो मंथली इनकम मिल जाएगी। अगर आपके घर में कोई सुपर सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, तो देखिए क्या होगा जी, मंथली इनकम या इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 5,925 रुपये। सो उसी तरह से अगर मैं पोस्ट ऑफिस की ज्वाइंट अकाउंट पे
जो मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख रुपए, उसके बराबर चेक करता हूं कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं जर्नल पे तो आपको 9,062 रुपये मिलेंगे जी हर महीने 2 सालों के लिए। अगर मैं 7.75% सीनियर सिटीजन्स के बिहाफ पर कैलकुलेट करूं तो आप देखेंगे 9,687 रुपये आपको मिलेंगे जी। अगर मैं सुपर सीनियर सिटीजन्स के बिहाफ पर कैलकुलेट करूं तो क्या होगा जी, 9,875 रुपये जो हैं वो लगभग आपको हर महीने मिलते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को एक बार फिर से इन्वेस्ट करेंगे। वो कैसे, देखिए आपको हर महीने वो लगभग 9,500 रुपये के करीब एवरेज ऑन एन एवरेज वैल्यू मान के चलते हैं आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, उस ऑन एन एवरेज रिटर्न को एक बार फिर से इन्वेस्ट करेंगे आरडी में। तो देखिए मैं आरडी कैलकुलेटर पहले ओपन करता हूं। तो देखिए दोस्तों आरडी कैलकुलेटर हमने ओपन किया है, मान के चलिए मंथली इन्वेस्टमेंट जो है वो आप नियर अबाउट 9,500 रुपये जो आपको ब्याज की राशि मिलेगी वो आप लगा रहे हैं, और जो रिटर्न ऑन एन एवरेज हमें मिलता है आरडी के ऊपर वो 6.5 से लेकर 6.97% तक मिलता है। हम मान के चलते हैं अगर आप आरडी कलवा लेते हैं तो आपको 6.8% तक का रिटर्न मिलता है 2 सालों के लिए। तो आप देखेंगे दोस्तों जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी वो 2,28,000 रुपये की थी, उसके ऊपर 2 सालों में और 16,778 रुपये का ब्याज लग जाएगा, जिसके बाद आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 2,44,778 रुपये के करीब हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि अगर आप क्या करें, सबसे पहले मंथली इनकम प्लान में इन्वेस्टमेंट करके जो आपको हर महीने ब्याज की राशि मिलेगी, अगर आप उसे फिर से आरडी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप नॉर्मल इंटरेस्ट की जगह एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर लेंगे, अगर उस वैल्यू को रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदल दे तो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।